हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि रैशनल और इरैशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे डिफाइन करना है। इवन दो रैशनल नंबर को हम लोगों ने यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन के एग्जांपल सॉल्व कैसे करने हैं ये भी हम लोगों ने देखा है, साथ में ही इरैशनलिटी कैसे प्रूव करनी है ये भी हम लोगों ने चेक किया है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं। अगर आपको ऐसे ही कुछ क्वालिटी एग्जाम्पल्स या फिर ऑनलाइन टेस्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप लोगों को ऐप के थ्रू यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। मैंने यहां पे क्वेश्चन लिया है, दैट इज व्हाट, प्रूव दैट रूट टू प्लस रूट थ्री इज ए इरैशनल नंबर। तो हमको उसको यहां पे इरैशनल प्रूव करवाना है, तो कैसे करोगे? तो आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो पार्ट में रूट टू, रूट थ्री ऐसे एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने इरैशनल ऑलरेडी प्रूव किया है और एक डेफिनेशन बनाया है कि जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज होती है या फिर नॉन परफेक्ट क्यूब वैल्यू होती है, ऐसे वैल्यूज का अगर हम रूट लेंगे तो वो इनडायरेक्टली इरैशनल होती है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज मानेंगे कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, ये सभी के सभी हमारे इरैशनल नंबर होते हैं। बट हमको तो यहाँ पे कंबाइन इफेक्ट, दैट इज वॉट, रूट टू प्लस रूट थ्री को इरैशनल प्रूव करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनको यहाँ पे ये मानेंगे कि यहाँ पे रूट टू प्लस रूट थ्री जो जो वैल्यू है ये हमारा रैशनल है और आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा मानते हैं तो रूट टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू सम रैशनल नंबर हम लोग x मानेंगे और x हमारा एक रैशनल नंबर है। ओके, अब जैसे कि मुझे इसके साथ और कुछ डील करना है तो मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लेके रूट टू प्लस रूट थ्री इसका होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर, राइट right? तो यहाँ पे इसको एक्सपांड करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली है ये वाला ऊपर वाला इक्वेशन हमारा जो स्टार है ये बनेगा हमारा रूट टू का स्क्वायर बनेगा, टू प्लस टू टाइम्स रूट टू इंटू रूट थ्री, एंड लास्ट में बनेगा हमारा रूट थ्री का स्क्वायर बनेगा थ्री इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, सो देन यहाँ पे 2 प्लस 3 बनेगा 5, तो ये बनेगा 5 प्लस 2 रूट 6, आप इनका मल्टीप्लिकेशन ले सकते हो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आगे में मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के अंदर चेंजेस करूँगा, मतलब यहाँ पे मैं अगर रूट 6 को इस साइड में रख दूँ तो इनिशियली रहेगा 2 रूट 6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, ऑलराइट, और रूट 6 इक्वल्स टू रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डिवाइड बाई टू। बट गाइज, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा है कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वेयर वैल्यूज होती है उनका अगर हम लोग स्क्वेयर रूट लेंगे तो वो बन जाएंगे हमारे इरैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे तो रूट सिक्स इरैशनल नंबर है, वेर एज एक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी रैशनल माना था, उसमें से भी हम लोग फाइव और टू जो है हमारे एक फाइव जो कि रैशनल नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और टू जो है हमारा रैशनल नंबर उसको डिवाइड करेगा तो ये बनेगा हमारा रैशनल नंबर। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इरैशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर बन रहा है और ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए रूट टू प्लस रूट थ्री है हमारा इरैशनल नंबर। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप लोगों को यही लॉजिक यूज करना चाहिए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज व्हाट, वन थ्योरम, और जो कि यहाँ पे पुट किया है एक ने साइंटिस्ट जिसका नाम है यूक्लिड्स। तो यूक्लिड्स ने एक जो डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ पे पुट किया है उसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो क्या ये डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से यही तो पढ़ रहे हैं। मतलब क्या, ध्यान दो, मान लो मैंने कोई एक नंबर ले लिया लाइक फॉर 17 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो ऑब्वियसली 2 8 16 और यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए 01, यानी कि ये होगा हमारा रिमाइंडर, ये बनेगा हमारा 8, बनेगा हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा डिवीजर और सॉरी ये है हमारा डिविडेंड और बाहर वाला जो है हमारा डिवीजर है ना। तो अगर मैं 17 को यहाँ पे एक्सप्रेस करूँगा तो दिस विल बी 17 इज व्हाट योर डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू व्हाट दिस 2 into 8 प्लस योर रिमाइंडर, यू नो, सो दिस इज नथिंग बट डिविडेंड बनेगा इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो क्या यही यूक्लिड्स थ्योरम है? बिल्कुल यही यूक्लिड्स थ्योरम है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज कर दूंगा तो लेट्स से 17 की जगह पे हम लोग 16 लेने वाले हैं, तो ये बनेगा 2 8 16 और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारा 0 और क्वेश्चन है हमारा 8
और जो कि हमारा डिवीजर है टू, डिवीजर हमारा यहाँ पे टू है और दिस इज वॉट यूर डिविडेंड। तो एक चीज क्लियर है कि जब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आता है तो हमारा यहाँ पे डिवीजर और क्वेश्चन इनडायरेक्टली डिविडेंड के फैक्टर्स बन जाते हैं। दैट इज वॉट 16 इक्वल्स टू बनेगा 2 × 8। कहने का मतलब ये है 16 को 2 भी डिवाइड करेगा और 8 भी डिवाइड करेंगे, तो 2 और 8 16 के यहाँ पे क्या है फैक्टर्स है, वेर एज 16 2 और 8 का यहाँ पे मल्टीपल है और यही हमारा यूक्लिड्स का डिवीजन लीमा या फिर इसको हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। तो इसका थोड़ा सा हम लोग थियोरेटिकली हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं अब। ओके, तो मान लो मेरे पास डिविडेंड इक्वल टू सम, यहाँ पे मैंने कुछ अल्फाबेट ले लिया, लाइक वॉट, मैं अगर ए को, लेट्स टेक ए को अगर मैं बी से डिवाइड करूंगा और मेरा क्वेश्चन क्यू आएगा और रिमाइंडर मेरा अगर आर आएगा तो बाय दिस फॉर्मूला तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो ए इक्वल्स टू रहेगा बी इंटू ए प्लस आर, सॉरी बी इंटू क्यू प्लस आर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बी मतलब है हमारा यहाँ पे डिविजर, क्यू मतलब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन और आर है हमारा रिमाइंडर। तो ऑब्वियसली एक चीज होनी चाहिए, अगर आपको ये थ्योरम यूज करना है तो आपको क्या क्या समझना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे क्यू जो है हमारा, यहाँ पे क्यू रहेगा क्वेश्चन, बट आर कहाँ पे रेंज करेगा। तो गाइस इस वाले सेकेंड फॉर्मेट में, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हमारा आर जीरो है, तो हमारा आर यहाँ पे जीरो हो सकता है, आर हमारा यहाँ पे जीरो हो सकता है। सो आर हमारा यहाँ पे जीरो हो सकता है या फिर उससे भी बड़ा, मतलब आर हमारा यहाँ पे वन भी आ चुका है, बट रिमाइंडर जो होता है वो आपके डिविजर से ऑलवेज छोटा होगा, रिमाइंडर आपके डिविजर से ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा। दिस इज अ थिंग, क्योंकि अगर रिमाइंडर आपका डिविजर से बड़ा हो गया तो आपको एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने यहां से क्या सीखा है कि अगर हमारा रिमाइंडर जीरो है तो जो भी हमारा क्वेश्चन एंड हमारा डिविजर है तो वो बन जाएंगे उसके फैक्टर्स और डिविडेंड बनेगा उनका मल्टीपल। ऑलराइट, और इसको हम लोग कहेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर यहाँ पे रिमाइंडर समथिंग आता है अदर देन जीरो तो वो नंबर उसका फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस वाले डिविजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है नंबर्स के बीच का, तो हम लोग उसको बहुत इजी तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और नंबर्स के बीच की